यहाँ पर देखिएगा, एक पराग नली आ रही है, क्या है बेटा, ये पराग नली आ रही है और इसके साथ दो नर युग्मक आ रहे हैं। पहला ये पराग नली कहाँ से आएगी, जो सिनर्जेट सेल हैगी, सिनर्जेट सेल पर ये पराग नली आएगी। सिनर्जेट सेल से ये दो नर युग्मक आएंगे और इसके बाद एक नर युग्मक अंडकोशिका से मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर कहाँ मिलेगा, अंडकोशिका से मिलेगा, और उसके बाद एक एग सेल है और एग सेल में ये फर्टिलाइजेशन कर लेगा। दूसरा नर युग्मक हमारा ये वाला है, और ये नर युग्मक कहाँ जा रहा है, यहाँ देखिए ये ध्रुवी केंद्रक की तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ध्रुवी केंद्रक की तरफ जा रहा है, और एक केंद्रक हमारे अंडकोशिका से मिल रहा है और ये ध्रुवी केंद्रक से जा रहा है। यहाँ पर क्या हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। इसे बोलते हैं सिनगैमी, क्या बोलते हैं, सिनगैमी बनते हैं। और यहाँ पर एक जायगोट बन के तैयार हो गया, यहाँ पर देखिएगा जायगोट, और ये ध्रुवी केंद्रक से जा करके ये मिलेगा। जहाँ तक सारी प्रोसेस क्लियर हो गई है, क्या गई, और इसे बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लाई, यानी शॉर्ट में बोलते हैं इसे पैन, क्या बोलते हैं, पैन बोलते हैं, यानी प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, राइट। अब इसके बाद ट्रिपल फ्यूजन किसे कहते हैं, फ्यूजन इन इन्वॉल्विंग थ्री हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। यहाँ पर तीन न्यूक्लियाई क्या करते हैं, तीन न्यूक्लियाई क्या करते हैं, यहाँ पर मिलते हैं, इसलिए इसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। कैसे मिलेंगे, दो न्यूक्लियस यहाँ पर मिलते हैं और एक यहाँ पर मिलता है, तो टोटल तीन न्यूक्लियस इसमें फ्यूज होते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। एम आई क्लियर दिस पॉइंट, नेक्स्ट। अब इसके बाद आप देखिएगा, ट्रिपल फ्यूजन आपको समझ में आ गया, सिनगैमी आपको समझ में आ गई, अंडकोशिका से नर युग्मक मिलता है, उसे सिनगैमी कहते हैं। अब ये क्या होगा, अब आप देखिए अंडकोशिका कैसी है, डिप्लॉइड, यानी द्विगुणित हो गई, और यहाँ पर आकर क्या होगा, एक ये किसका निर्माण कर रहा है, एक तरीके से एंडोस्पर्म का निर्माण कर रहा है, क्या, एंडोस्पर्म का निर्माण कर रहा है। तो एंडोस्पर्म की डेफिनेशन क्या होती है, इसे बेटा समझिएगा आप, एंडोस्पर्म की डेफिनेशन क्या होती है, पहले समझिए, इट इज द ट्रिपलेंट रिच द टिश्यू डेट सप्लाई एनर्जी। क्या करता है, जो एंडोस्पर्म होता है वो क्या करता है, एनर्जी को क्या करता है, एनर्जी देता है, किन्हें, एंडोस्पर्म किन्हें देता है, ब्रूड को, एम्ब्रियो को क्या देगा, ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा, कौन, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म कहाँ, ये है एंडोस्पर्म, और ये एम्ब्रियो क्या देगा, एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, यानी फूड को देगा, किन्हें, एम्ब्रियो को, यानी ब्रूड को एंडोस्पर्म देगा भोजन, ऐसा समझ लीजिए आप। चलिए स्टूडेंट, अब इसके बाद आपको आगे की प्रोसेस में आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा एंडोस्पर्म बनके तैयार हो गया। अब देखिए इस तरीके की संरचना बनके आ जाती है, इस तरीके से हमारा क्या बन जाता है, इस तरीके से हमारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आगे होता है। तो आगे की वीडियो में और एनिमेशन दिखाऊंगा और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, तब के लिए क्लास को करते स्टार्ट। तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी इस बायोलॉजी क्लास में। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं दो निषेचन के बारे में। अभी आपने एनिमेशन देखा, अब मैं दूसरा एनिमेशन और दिखाऊंगा, वो जब मैं क्लास में आगे पढ़ाऊंगा तब और दिखाऊंगा और एक एक चित्र से समझाऊंगा। इतना एनिमेशन आपने देख लिया, नहीं आया तो दोबारा से फिर देख लीजिए, स्किप करेंगे वीडियो को पीछे करके, और मैं अब आगे और बताऊंगा, दूसरा एनिमेशन आपको दिखाऊंगा, वहां से सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, राइट। अब यहां पर देखिए आज जो डिस्कस करने दोहरा निषेचन, और ये आपके एग्जाम में प्रत्येक वर्ष ये क्वेश्चन आता है और मैं लिख के दे दूंगा, प्रत्येक वर्ष आता है और 2024 में यहां से एक ना एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, एक ना एक क्वेश्चन क्या ऐसा होगा, पूछा ही जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। अब देखिए दोनों को इंग्लिश में बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, अथवा आपसे पूछेगा ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, या त्रसंलयन क्या होता है, त्रसंलयन क्या होता है, दोनों चीज एक ही होती हैं। तो सारे पॉइंट को हम कवर अप करके चलेंगे, और सबसे पहले जिन बच्चों ने हमारा बायोलॉजी का बैच ज्वाइन नहीं किया है वो प्लीज़ बायोलॉजी का बैच ज्वाइन कर लें, नाम मात्र की फीस में, आपके एक बर्गर की फीस में हम आपको पूरी साल आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे, टेट सीरीज ऑनलाइन देंगे, जहाँ से आपकी रैंक बनेगी, उसी के साथ साथ आपको ये हमारी संस्था, अभी तो मैं कहने की संस्था, जहाँ तक अभी तो आप कॉल करके पूछ लेना कौन से नंबर पर, 63 97 54 480 5 पर आप क्या करोगे, कांटेक्ट कर लेना बेटा, और इस पर कांटेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, कांटेक्ट करने के बाद आप यहाँ से अगर एक बच्चे को ज्वाइन करा देते तो आपको 99 रुपये आपको दिए जाएंगे, कितने दिए जाएंगे, 99 रुपये आपको दिए जाएंगे। ये चीज़ें, इसकी जो फीस है वो कम ज़्यादा होती रहती है, ये 99 रुपये आप, अगर आप जिस टाइम पर वीडियो देख रहे हो आप कॉल करके पता कर लेना, ये निश्चित नहीं है आप अभी तक आपका आपके पास ऑफर है ना है, कम से कम ये ऑफर आपको अक्टूबर नवंबर तक तो चलेगा ही चलेगा, राइट स्टूडेंट्स। चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट।
बेटा जो डिस्कस करेंगे दोहरा निषेचन बोलते हैं और क्या बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन या द्वि निषेचन। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दोहरा निषेचन कौन से प्लांट में पाया जाता है, पहला क्वेश्चन आपको ये रहेगा कौन से प्लांट में पाया जाता है, आवृतबीजी पौधों में। द्वि निषेचन कहाँ देखने को मिलता है आपको, कहाँ मिलता है बेटा, आवृतबीजी पौधों में देखने को मिलता है, आवृतबीजी पौधे में यानी एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है। ठीक, उसी के साथ मैं आपको बताऊं एंजियोस्पर्म प्लांट में देखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना द्वि निषेचन की खोज किसने की थी, इस पर इंपोर्टेंट लगा दो, एमसीक्यू में यूपी बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने करी थी, एस जी नवासिन ने खोज की थी नीट के लिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए, किसके लिए बेटा, बोर्ड एग्जाम के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसी के साथ इसी खोज किसने कौन से सन में की थी, 1898 में करी थी। डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने करी थी, एस जी नवासिन ने करी थी, कब करी थी, सन 1898 में की थी। राइट स्टूडेंट, अब जो कौन से पौधे पर करी थी वो देखिए, जो पौधे का नाम है ये नीट में, नीट का ये फेवरेट क्वेश्चन है, नीट का, बी एस सी नर्सिंग का, बी फार्मा का, डी फार्मा का ये फेवरेट क्वेश्चन है। और किस कौन से पौधे पर करी थी, एक बार याद कर लो, लिलियम नाम का पौधा था, लिलियम नाम के पौधे पर, और फ्री टेलेरिया के पौधे पर, और लिलियम के नामक ये दो प्लांट होते हैं, इनके पौधों पर एस सी नवासिन ने सन 1898 में खोज की थी, किसकी, द्वि निषेचन की। मैं आपसे उम्मीद करूंगा ये पॉइंट क्लियर होगी, ये पॉइंट सीधे सीधे डायरेक्ट लिख लो, कौन से पौधे पर की थी, लिलियम नाम के पौधे पर की थी। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके बाद द्वि निषेचन को पढ़ाने से पहले मैं आपको सीधे इसके बारे में समझा देता हूँ, उसके बाद में आपको लिखाऊंगा यहाँ पर पूरी मैकेनिज्म मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैकेनिज्म पहले आपने एनिमेशन देख लिया होगा, इसके बाद एनिमेशन और दिखाऊंगा, पहले आपको चित्र की सहायता से समझा देते हैं बेटा। ठीक है, जहाँ देखो बेटा, यहाँ से ध्यान से देखो, ये आप देख रहे हो, ये क्या चीज़ है, वृत्ताकार है, क्या बेटा, वृत्ताकार है, वृत्ताकार है, क्या है बेटा, वृत्ताकार है, और ये क्या परागकोश है, परागकोश। एम आई के लिए स्टूडेंट्स, परागकोश को इंग्लिश में बेटा एंथर बोलते हैं, आपको दिख रहा है, ये फिलामेंट है, फिलामेंट को बेटा तंतु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं, और ये बेटा स्टाइल को हिंदी में बेटा बोलते हैं वृत्ताकार, क्या बोलते हैं, वृत्ताकार बोलते हैं, और ये पोलन ट्यूब है, ये आप देख रहे हो पोलन ट्यूब मैंने आपको बता दिया, पोलन ट्यूब किस प्रकार से बनती है उसके लिए हम और बता दें, ये पराकड़ आते हैं, पराकड़ से जर्मिनेट होती है पोलन ट्यूब की खोज किसने करी थी, अमिकी ने करी थी, पोलन ट्यूब की खोज किसने करी थी, अमिकी ने करी थी। पोलन ट्यूब की अगर आपसे कोई पूछे पराग नलिका की खोज किसने करी थी, पराग नलिका की खोज किसने करी थी, जेके अमकी ने करी थी। ठीक है, किसने करी थी, अमकी ने की थी। एम आई के लिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पहला पराग नलिका की खोज किसने करी थी, जेके अमकी ने करी थी। ठीक है,
अब मकिन कह रही थी, इतना इतना याद रख लो। ये पराकोष से, पराकोष से क्या है, पराकड़ आ रहा है ये, और पराकड़ और वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, इस प्रक्रिया को पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बोलते हैं। जब पराकड़ पराकोष से वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं, यानी परागण कहते हैं, परागण कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ओव्यूल है, क्या है, ओव्यूल है। ओव्यूल को बेटा अंडाशय कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, अंडाशय कहते हैं, ठीक है। और ये एम्ब्रियो सैक है, उसे बाद में समझेंगे। अब हम यहाँ पर ये समझेंगे, इतनी चीज़ें आपने अच्छी तरीके से समझ में आ गई, जितना हमने बताया, आया या नहीं आया, जल्दी से इतनी चीज़ को आप नोट डाउन करोगे, और जल्दी से नोट डाउन कर लो पहले। परागनली बनेगी। अब मैं आपको इसके ओव्यूल के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा रहा, अब इसके अंदर की प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। अब मैं ओव्यूल की स्ट्रक्चर बना रहा हूं, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाऊंगा। अब मैं इतना पार्ट में रिमूव कर दूंगा, परागनल का दिखाऊंगा, और यहां पर दिखाऊंगा आपको बीजांड में किस तरीके से परागनली बनती है। मैं खुद बनाऊंगा, आपको भी ये चीज बनानी है। तेरे बिन जीना नहीं, ये हमारे बीजांड की संरचना बनकर तैयार हो गई। अब मैं इसके पार्ट में बताऊंगा ना, ये प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं, ये ध्रुवीय केंद्रक है, ये अंडकोशिका है, ये सहायक कोशिकाएं। अब जहां से मान लो परागनली ऊपर से आ रही है और इसने एंट्री करी किसमें, इसके अंदर, बीजांड द्वारा इसने क्या करी, एंट्री करी, और इसमें आ रहा है पराकड़, पराकड़, पराकड़ आ रहा है, यानी नर युग्मक बने इसमें, यहाँ पर आया नर युग्मक, यहाँ पर डिवीजन होकर दो नर युग्मक बन गए। आपसे क्वेश्चन पूछे आएगा, लग बीज वो पराकड़ में पराग पराकड़ में नर युग्मक कितने होते हैं, कितने होते हैं, कितने होते हैं, दो। क्वेश्चन लिख लो, इंपॉर्टेंट है, कितने होते हैं, दो होते हैं। तो दो नरयुग्मक आ गई है, एक नरयुग्मक आया यहाँ से, वो तो अंडकोशिका से मिल गया, यहाँ इसने क्या कर लिया, निषेचन कर लिया, क्या कर लिया, निषेचन। दूसरा वाला आया, ये वाला आया भैया, और ये ध्रुवीय केंद्रक से मिल गया, यहाँ पर इसने ट्रिपल फ्यूजन कर लिया,
त्रिसंलयन कर लिया और दोनों को मिला के डबल फर्टिलाइजेशन हम कह देते हैं। तो इस प्रकार से दो निषेचन होता है। अब मैं इमेज पे दिखाऊंगा, इतना आप बनाना सीख लीजिए, इतना करवे समझ जाए कौन से आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे। नरीमुख दिखाओगे, अंडकोश का दिखाओगे, ध्रुवीय केंद्र दिखाओगे, प्रतिमुखी कोशिका दिखाओगे। ये हमारी प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं। ये ध्रुवीय केंद्रक है, ध्रुवीय केंद्रक है। ये अंडकोश का है, और ये सायकोश का है। ठीक है, इस तरीके से डबल फर्टिलाइजेशन होता है और इसी त्रिसंलयन कहते हैं। यही होता है फर्टिलाइजेशन, और मैं आपको बता रहा हूँ इमेज की सहायता से। ठीक, इस तरीके से आप डायग्राम बना पाओगे। चलिए, हो गया, ध्यान से देखिएगा। इमेज आपके लिए पूरी बनाई है हमने, बहुत मेहनत की है पीपीटी बनाने में। अब देखो यहाँ पर, परागकोश क्या है बेटा? पराग कोश, परागकोश पोलन ग्रहण है ये। परागकोश से पोलन ग्रहण आया, कहाँ पहुँच गया? वृत्तिकाग्र पर पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया बेटा? वृत्तिकाग्र। दिस प्रोसेस क्या कहलाएगी, यह प्रोसेस क्या कहलाएगी? परागण कहलाएगी, परागण कहलाएगी। ये इसके क्या है? स्टाइल है, यानी वृत्तिकाग्र है। अब परागकण से ये क्या निकली? ये निकल के जा रही है परागनली, परागनली। और बीजांड द्वार द्वारा इसने क्या कर दी? एंट्री कर दी। क्या कर दी? एंट्री, यानी प्रवेश कर दिया। तो इस प्रवेश को क्या बोलोगे, क्या बोलोगे इसे बोलोगे क्या बोलोगे? बीजांड द्वारी प्रवेश, यानी प्रोगैमी। इंग्लिश में बोलोगे इसे क्या बोलोगे? प्रोगैमी, प्रोगैमी, प्रोगैमी। और इसे बोलोगे हिंदी में बोलोगे बीजांड द्वारी प्रवेश। यहाँ तक क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब यहाँ पर ये पराग नली बनाई थी, वो किसने बनाई थी? पराग नली किसने बनाई थी ये हमको बताओ। पराग नली बनाने में परागकण का हाथ होता है। परागकण ने आखिर क्या किया था? सबसे पहले यहाँ पर वृत्तिकाग्र पर, और यानी स्टिग्मा पर, यहाँ पर क्या उपस्थित था? मैंने बताया था पिछली क्लास में, यहाँ पर उपस्थित था नमी, उपस्थित थी। क्या उपस्थित थी? नमी उपस्थित थी, और नमी के कारण परागकण कैसा हो गया? फूल गया। अब फूलने के बाद यहाँ पर एक कायिक केंद्रक उपस्थित होता है, तो कायिक केंद्रक से पराग नली का निर्माण होता है। पराग नली का जो निर्माण होता है, उस पराग नली की खोज किसने करी थी? उस पराग नली की खोज करी थी